हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 दादी माँ जो आपने पढ़ लिया था उसकी कहानी संक्षेप में बता रही हूँ। इसको शिव प्रसाद सिंह ने लिखा है। दादी माँ की कहानी इस प्रकार है कि लेखक अपनी दादी माँ को याद करते हुए कहते हैं कि मुझे दादी माँ से बहुत लगाव था। जब वह बारिश के दिन थे और जब चारों ओर पानी भर जाता था, जब वे गांव जाते थे तो वहां पर उनको मिट्टी की महक दिखती थी, हवा में फैली हुई दिखती थी। इसी मौसम में वह झाग वाले पानी में तालाब में कूद कूद कर उनको नहाना अच्छा लगता था। इसी नहाने के बाद वो 2 बार बीमार पड़ गए और उनकी दादी माँ ने उनकी बहुत सेवा करी। उन्हें बुखार हो जाता था और दादी माँ बार बार छू छू कर उनको देखती थी कि बुखार है या नहीं। वह पंखा जलती, उनको लेप करती और बीमारी दूर करने के लिए विशेष प्रकार के व्यंजन भी बनाती थी। उन्हें गांव में 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। गांव में कोई भी बीमार होता तो दादी माँ तुरंत उसका इलाज करने पहुंच जाती। लेखक के जब बड़े भाई की शादी तय हुई तो दादी माँ का उत्साह बहुत ज़्यादा था। वह तो पूरा जो काम है वह करवाती थी। उन्हीं दिनों उन्होंने देखा कि दादी माँ जो सूद के पैसे थे यानी ब्याज के पैसे थे वह चाची से मांग रही थी, लेकिन वह नहीं देने की मिन्नत कर रही थी कि वह अभी नहीं दे सकती। लेकिन दादी माँ ने बाद में उनके कर्ज माफ़ कर दिया। यानी दादी माँ बाहर से कठोर दिखती थी लेकिन अंदर से वह बहुत नरम थी। लेखक ने एक बार उनको देखा कि बहुत सारी घटनाएं ऐसी याद आती उनको कि लेखक ने एक बार उनको देखा था कि वह सफ़ेद साड़ी पहनकर संदूक के पास खड़ी थी और उनके आँखों में आंसू थे। तब उन्होंने दादी से रोने का कारण पूछा। दादी ने मुस्कुराते हुए प्यार से उनको रसोई में खाना खिलाने ले गई और दादी माँ ने बताया कि यह जो संदूक है उसमें सोने के कंगन हैं जो कि उनके दादाजी की निशानी है और उन्होंने यह निशानी लेखक के पिता को दे दी। इस प्रकार दादी माँ जो थी वह पूरे घर का ख्याल रखती थी। लेखक को एक दादी माँ के बहुत सारे किस्से याद आते हैं, लेकिन अभी उनको विश्वास ही नहीं होता कि दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, वह उनके बीच नहीं है, सिर्फ उनकी यादें ही रह गई हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू।